देखिए माननीय उच्च न्यायालय हाई इलाहाबाद से एक निर्णय आया है कि एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। मुझे लगता है कि सर्वे जब अनुमति दी गई है तो शांति के साथ सर्वे होगा, और सर्वे में जो चीज निकल के आए, मुझे लगता है कि अब समाजों को बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है। सर्व समाज, दोनों समाज, खासकर मुस्लिम समाज, आपस में इस तरह का माहौल बनाए कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए हम लोग आपस में बैठे और इस मामले को आउट ऑफ द वे जाके हम माननीय न्यायालय से बाहर इन मामलों को हल करें। बहुत सारी मस्जिदें हैं जहां दिक्कतें हैं, जहां लोगों को परेशानी होती है, वो नमाज पढ़ने की इजाजत वहां नहीं देते। मैं कह रहा हूं अगर एक मामला सॉर्ट आउट करने के बाद देश के अंदर अन्य मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत मिलती है तो इससे भाईचारा बढ़ेगा। हम सब लोगों को जो डिस्प्यूट मैटर्स हैं उन मैटर्स को दूर करना चाहिए, और मैं ये मानता हूं कि जो बात इस्लाम में कही गई है, अगर किसी जमीन पर विवाद है तो वहां मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, और अगर मस्जिद बन भी गई तो ऐसी मस्जिदों में आपकी नमाज नहीं होगी। तो हमें इस शरीयत को पकड़ना है, उस शरीयत के हिसाब से निर्णयों को लेना है, उसे लिंगर ऑन नहीं करना है, उसे मुद्दा नहीं बनने देना है, समाज में प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश देना है। कहीं हम झुकेंगे, कहीं आप झुकेंगे, मिल बांट के बैठेंगे, झुक के आपस में समझौते करे जाएं जिससे प्यार और मोहब्बत का वातावरण कायम हो, नफरत बिल्कुल हमारे बीच में ना आए। मुझे लगता है उसके लिए समाजों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि अगर व्यवहार अच्छा होगा तो दोनों समाज टेबल टॉक्स के लिए तैयार होंगे, और उस टेबल टॉक्स पे जो हल निकल सकता है, मुझे लगता है वही प्यार और मोहब्बत का हल है, वही हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का हल होगा। और सर्वे अपना काम करेगा, जिस तरह की बातें आई हैं कि वहां दीवारों के ऊपर मूर्तियों की कोई बात कह रहा है, कोई कह रहा है त्रिशूल के निशान बने हुए, ये सर्वे में साबित हो जाएगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। सर्वे ईमानदारी से होगा इस बात की हम उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसके बावजूद भी निर्णय जो भी आए दोनों पक्षों को उस निर्णय को मानते हुए आपस में समन्वय बिठाने की आवश्यकता है। और हम सब लोग, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, अपनी नस्लों को सही दिशा में आगे बढ़ाना है, तो अब नफरत की राजनीति से हमें बाज आना।